सोनभद्र में दुधी क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में मतगणना के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच में गाली गलौच हो गई, हाथापाई भी हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि 7 बक्सों में से 5 की गिनती पूरी हो चुकी थी, तभी बीजेपी कार्यकर्ता हार के डर से मतगणना पत्र को ही फाड़ने लग गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के प्रत्याशी का वोट अगले चरण की मतगणना में बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने मतगणना स्थल पर लाइट बंद करके छीना छपटी की और मारपीट शुरू कर दी। और यह पिछले बार की आदत रही है भाजपा का कि कुछ कार्यकर्ता जो हारते हैं वह लोकतंत्र का गला घोटते हैं और जो चुनाव का प्रक्रिया है पद्धति है उसका कोई पालन नहीं करते हैं। हमारे ओर से कोई भी आदमी किसी तरह का न हंगामा किया न कोई प्रतिवाद किया, वह जबरी आकर के हम लोगों से झगड़ा करने पर आमादा हो गए और यह बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत यह खराब दिन है, काला दिन है। मैं समझता हूँ प्रशासन को भी यह सारी कार्रवाई संवैधानिक ढंग से अपने देख रेख में करना चाहिए। और सवाल ये हुआ कि 7 चुनाव हुआ था, 7 मतपेटी में मत पड़ा था, 3 का काउंटिंग हो चुका था, 3 में वो कुछ थोड़ा बहुत वोट से आगे भी चल रहे थे, मगर उनको आशंका था कि बाकी 4 वोट में 4 बक्से में हमारी विपक्षी का ही टोटल वोट था और लाइट बंद करके करके उन्होंने पूरा छीना झपटी किया, मतपत्र को उखाड़ा गया, कुछ मतपत्र गायब किया गया। ये टोटली सपा के कार्यकर्ताओं का सीधा साजिश है, उन्होंने काउंटिंग को प्रभावित किया और अभी फिलहाल ये रुका हुआ है। बैलेट पेपर